Assalamu alaikum everyone, this is Irfanul Haq and you're watching The Catch Up Show. And mere saath maujood hai meri stunning co-host Maryam. Assalamu alaikum Irfan, kya haal hai aapka? Main bilkul theek thaak hoon, mashallah, so you're looking stunning as usual. Shukriya, shukriya, aap bhi bahut achhe lag rahe hain. thank you so much. Mashallah, bahut acha ja raha hai Ramzan aur as usual hum pakore, samosa aur iftariyan se bharpoor lutfandoz ho rahe hain. I'm sure aap bhi ho rahi hongi. मैं भी हो रही हूँ, पर मैं ज़्यादा नहीं खा रही क्योंकि हमारे डायरेक्टर साहब ने मना किया हुआ कि ज़्यादा नहीं खाना, तुम लोग जो ना मोटे आओगे कैमरा पे, तो थोड़ी सी ट्रेजिडी है उसमें. मैं ना अफ्तारी में स्टेक्स खा रही होती हूँ आजकल, बस डायरेक्टर साहब की इंस्ट्रक्शन को करना. वाह, स्टेक्स जबरदस्त. सब जो है ना गलती हमारे डायरेक्टर साहब आले जाफरी की, पर वही हमें सब सही सिखाते हैं. खैर, अच्छा पिछली दफा आपने कहा था कि एक एक्सक्लूसिव न्यूज आप देने वाले थे. मैं अपनी ऑडियंस को बताऊंगा कि वो खबर क्या थी. मैंने आपसे पूछा था लास्ट टाइम कि वो बताएं वो कौन से स्टार हैं जिन्होंने पहली फिल्म में कर चुके हैं काम, और उस फिल्म का नाम था छुपन छुपाई ना. अब वो दोबारा फिल्म करने वाले हैं जिसका नाम है, बता दूं मरियम? बता दें मरियम, उस फिल्म का नाम है चक्कर. बिल्कुल, आपने चक्कर नहीं खाने, इस फिल्म का नाम है चक्कर. और इसमें हैं मौजूद दोबारा से एहसन खान और नीलम मुनीर. वेरी नाइस. और इसको डायरेक्ट किया है यासिर नवाज ने, और बड़ी मज़े की कास्ट लग रही है. जावेद शेख भी हैं, नीलम मुनीर हैं, एहसन खान हैं, ब्रिटिश एशियन एक्टर भी हैं. मेरी फिल्म आ रही है चक्कर, ईद पे आप सब ने जाना है, मूवी को देखना है और इन्जॉय करना है. कैरेक्टर जो है वो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है. डिफ़िकल्ट था मेरे लिए क्योंकि दो कैरेक्टर्स थे, दोनों ही इंटायरली डिफरेंट, एक बिल्कुल घरेलू और एक दीवा. सो बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग्स, एक्टिविटीज़, एक्सप्रेशन, सब कुछ डिफरेंट. और आप एक नीलम को तो देखने के लिए जाते ही जाते हैं, और टीवी पे भी आप देखते हैं, तो अब तो आपको दो दो नीलम सिनेमा में देखने को मिलेगी. कॉमेडी है, मर्डर मिस्ट्री है, बहुत इन्जॉय किया. डिफरेंट जगहों पे हमने शूट की, लोकेशंस बहुत इंटरेस्टिंग थी, गाने एज आई सेड के बहुत ही अच्छे हैं. एंड और हीरोइन बेस्ट है, बेस्ट हीरोइन. कसम से मुझे लगा ऐसा कि कोई गिर गया है, अचानक से कोई आया है. बेस्ट हीरोइन. एक सीक्वेंस के मौके पे वो लड़ाई करते करते ज़रा पंच जोर की लग गया, और वो यासिर का जो अपर लिप था और दांत अंदर से ही सारा ब्लीड करने लग पड़ा. अब मुझे एज एन एक्टर, आई वॉज इन अ वेयर्ड सिचुएशन के बिकॉज इट वॉज एन एक्सीडेंट. लेकिन वो सिचुएशन ये थी कि मैंने अपने डायरेक्टर को भी मारा है और फिर को एक्टर उसको भी गलती से मार दिया. आई थिंक जो छुपन छुपाई में हम जो लगे हैं या जिस तरह से काम किया है उससे कहीं ज़्यादा इस फिल्म में सब लोगों ने बेहतर काम किया है. चक्कर की जो स्टोरी है वो लिखी है जफ़र इमरान ने, प्रोड्यूस ने किया है निदा यासिर ने, जिन्हें सभी जानते हैं, वो भी एक होस्ट हैं और अब तो प्रोडक्शन भी कर रही हैं. उसके अलावा पर्दे में रहने दो जो कि फाइनली पर्दे से बाहर आ रही है ईद उल फितर पे, तो इरफान आपको क्या लगता है, एक्साइटेड है आप इस मूवी को लेके? मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ. बाय द वे, हम कास्ट की बात करते हैं, डायरेक्टर की बात करते हैं, प्रोड्यूसर की बात करते हैं. बड़ा मुश्किल होता है इनसे इंट्रोड्यूस कराना और यू नो इनसे बात करना. आप समझ सकते हैं मैं क्या कहने वाला हूँ. लेकिन खैर, पर्दे में रहने दो एक ज़बरदस्त फिल्म आने वाली है जिसको जिसमें बड़े मेगा कास्ट है. इसमें हैं अली रहमान, हानिया आमिर, और इसको जो डायरेक्ट कर रहे हैं वजाहत रहूफ कर रहे हैं, और प्रोड्यूस भी वो कर रहे हैं साथ में. डायरेक्शन भी उनकी है और प्रोडक्शन भी उनकी है. मैं और यासिर जब लिखते हैं ना, हमारा एक होता है कि बिल्डअप होता है और फिर जोक आता है, जिसको आप यहाँ झुकते भी कहते हैं, कि हर सीन सेटअप दैट वे. और इंटेंशनल था पहली तीन फिल्मों में कि वी वॉन्टेड टू मेक पीपल लाफ. और मेरा जो था दो ढाई दो सवा दो घंटे बस लाफ्टर आ रहा हो, लाफ्टर आ, गाना आए और एक बिग एंडिंग हो, और यही इंटेंशन था. इस दफ़ा की मोहसिन ने लिखी है तो उसमें वो जोक्स नहीं है कि आपकी पंच लाइन नहीं है, इसके अंदर सिचुएशंस फ़नी है. तो वेरी डिफरेंट फॉर मी इज़ वेल, डिफरेंट ब्रांड ऑफ कॉमेडी है इस दफ़ा. फ़नी तो है क्योंकि वो मैं चाहता हूँ कि एंटरटेन किया जाए, लोगों को लेक्चर ना दें, लोगों को सीरियस ना, इतना स्ट्रेस है वैसी लाइफ में. जब वो आते हैं महीने में एक दो दफ़ा फिल्म देखने, तो एटलीस्ट इन्जॉय करके जाएँ, अच्छे मूड में जाए, तो आपको कॉमेडी तो मिलेगी.
बट क्योंकि इशू बेस्ड है तो उसको भी टैकल करना बड़ा सेंसिटिव था। आई एम रियली हैप्पी कि ही इज़ द मोस्ट सपोर्टिव पर्सन। आई वॉज नॉट इन दिस, ये बहुत टाइम पहले से कर रहा है, मैं तो अभी ज्वाइन किया है, लेकिन द वे ही इज़ पुश मी फॉरवर्ड, ही इज़ पुश मी इन टू डायरेक्शन ऑल्सो। मैं दो टेलीफिल्म भी डायरेक्ट कर चुकी हूँ एंड ही वॉन्ट्स मी टू, वो मुझे ये कहिए, मुझे कहता है कि बस तुम्हें यही करना है, थिंक बिग, ये भी करो वो भी करो, तो ये बड़ी चीज़ होती है। हाँ, प्रोडक्शन एक मेरा मेरे है उसमें कि मैं वो कर लेती हूँ बहुत अच्छी तरह मैनेज, बिकॉज मैं बहुत प्री प्लानिंग करती हूँ बहुत। आई थिंक वुमेन का एक चीज़ है, चूँकि वो घर चलाती है ना, तो मुनीम नवाज़ ने कहा था कि वेमेन आर बेटर प्रोड्यूसर्स, क्योंकि वो उनको एक तरीका आता है एक चीज़ को हैंडल करने का। बिकॉज व्हेन यू आर ऑन सेट फॉर एनी प्रोजेक्ट, चाहे वो ड्रामा हो, वो आप एक फैमिली बन जाते हो, बिकॉज डे नाइट फिर उनका खाना पीना सब कुछ देखना, और इट बहुत ज़रूरी होता है फॉर हिम। द वाई आई एम विद हिम इज़ क्योंकि व्हेन ही इज़, बिकॉज ही इज़ अ प्रोड्यूसर टू, तो ये जब डायरेक्टर्स कैप पहने और अगर उसको प्रोडक्शन भी देखनी है तो वो क्रिएटिविटी अफेक्ट होती है। सो आई लेट हिम जस्ट वेयर द डायरेक्टर्स कैप एंड आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एंड मेक इट कम्फर्टेबल फॉर हिम, ताकि एक प्रोजेक्ट जो फाइनल निकले वो बहुत अच्छा निकले। और बड़े मज़े के इसके गाने आए हैं, पीला रंग सूट कर दा, तो उसमें तो नाचने का दिल करता है, उठते साथ ही बंदा साड़ी पहने ना पीले रंग की और नाचना शुरू कर देते हैं। हानिया आमिर खूबसूरत लग रहे हैं, गाने बड़े अच्छे हैं। थोड़ी सी रिवर्स साइकोलॉजी है, हम कह रहे हैं पर्दे में रहने दो, बट what we actually are trying to say is that ye aisi cheez hai jo parde mein nahi rehni chahiye, and jo topic hai uske bare mein to I think trailer mein kafi kuch already pata chal chuka hai. Film achhi hai hamari aur hum chahte hain ki log Eid pe nikle aur gharon se nikle ke bas dekho tafreeh karne to sab niklenge, Eid ka mauka hai, family se ghar jayenge, rishtedaron se milenge, doston se milenge, उसके बाद क्या करेंगे। तो मैं चाहता हूँ जो पहले एक कल्चर था सिनेमा जाने का वो वापस आए और बस लोग जाएं सिनेमा, क्योंकि अब तो रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो गई हैं, अब आप इंडोर डाइनिंग भी जा सकते हैं, सिनेमा भी जा सकते हैं। तो इट्स अ नाइस एंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटी कि आप जाएं, सी फिल्में देखें। 5 फिल्में निकली हैं पाकिस्तानी, सबसे पहले हमारी फिल्म देखें, मगर बाकी फिल्में भी देखें, क्योंकि आपको शायद अगर टिकट ना मिले तो बाकी फिल्में देखने का भी मौका मिलेगा। तो अच्छा है कि निकले घरों से और जाके इंजॉय करें, क्योंकि अब इतने अरसे बाद 2 साल हो गए, कोविड था, 2 साल हमने सिनेमा नहीं देखा। अ ग्रेट स्टोरी, इट मेक यू लाफ, इट मेक यू क्राई एंड इट मेक यू लाफ सम मोर, एंड इट्स गॉट ग्रेट सॉन्ग्स। इट इज एन इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन। मूवी बड़ी अच्छी होगी, अभी तो वी डिडंट नो कि कैसी मूवी है इरफान, बट लेट्स सी, होपफुली इंशाल्लाह अच्छी होगी। अच्छा, उसके अलावा एक और वेब सीरीज भी आ रही है, मिसेस एंड मिस्टर शमीम, जिसमें सबा कमर हैं और नुमान एजाज हैं, उन्हें डायरेक्ट किया है काशिफ निसार ने और साथ में प्रोड्यूस भी काशिफ निसार ने किया, उनके साथ जो को प्रोडक्शन में उनके हैं मिसबा शफीक, और लिखी है स्टोरी सजी गुल ने। सो इरफान, आप मुझे बताएं आपको कैसी लगी, 11 मार्च को रिलीज हुई है। मरियम, मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगी, अगर मैं देखी तो खैर नहीं, लेकिन मुझे प्रोमोस है और मैंने बीचेस देखे सोशल मीडिया पे, आई लव इट, बिकॉज कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा कि मजाक उड़ाया जा रहा है बिल्कुल, या नुमान एजाज जो एक्टिंग की है सीरियसली मैं कहता हूँ ऑडियंस को बहुत पसंद आई है, और जहाँ पे लोगों ने फीडबैक दिया इसका वो काफ़ी हिट गया है, और नुमान एजाज सबा कमर की जोड़ी बहुत ज़बरदस्त लग रही है, और कभी भी ऐसा नहीं लग रहा जैसे लव ट्राइंगल वाली स्टोरी, इट्स टोटली डिफरेंट, अगर आप देखें आपको बहुत पसंद आएगी। नुमान एजाज ने ज़बरदस्त एक्टिंग की, आई थिंक आई गेव हिम लाइक 5 out of 5। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत एक्टिंग की है, जिस तरह से अपने करेक्टर में ढल गए हैं, लग ही नहीं रहा ना उनको देख के कि नुमान एजाज अलग है और वो करेक्टर अलग है, बिल्कुल वो करेक्टर ही नुमान एजाज लग रहे हैं, इतनी खूबसूरत तरीके से उन्होंने एक्टिंग की है। मरियम, जैसे कि हम ड्रामा की बात करें, जैसे कि आपने देखा होगा मेरे हमसफर ड्रामा जो ऑन एयर हुआ है आजकल, और क्या एक्टिंग किया है हानिया आमिर ने, उफ, और फरहान सईद ने भी क्या एक्टिंग किया, आई लव दे जोड़ी बाय द वे, और हानिया आमिर ने जो मासूमाना तरीके से एक्टिंग की है मुझे इतनी क्यूट लगी है वो खासतौर पर, और इनकी ऑन स्क्रीन एक जबरदस्त फिल्म आने वाली है मरियम। यस, पर्दे में रहने दो, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं, और मेरे हमसफर में भी उनकी बहुत अच्छी एक्टिंग है, हानिया आमिर बहुत अच्छी आजकल परफॉर्मेंसेस हमें दे रही हैं। जी, ड्रामा की बात करे थे मरियम, और एक जबरदस्त ड्रामा चल रहा है A+ में, इसका नाम है हसीना, जिसको को प्रोड्यूस किया है सादिया जबार ने, और एलिमेंट प्रोडक्शन का है ये, और इसमें कास्ट मौजूद हैं लाइबा और जैन, और बहुत ही यूनिक स्टोरी है इसकी, और ड्रामों से डिफरेंट है, तो आप लोग जाके हमारा शो तो देख ही रहे हैं, अब पर A+ पे एक और ड्रामा जो आ रहा है वो ज़रूर देखें, जिसका नाम है हसीना। आई होप दैट यू गाइज विल लाइक इट। अब लेते हैं हम एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे क्या डिस्कस करने वाले हैं।
इस सारी डिस्कशन के बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो के है डिजिटल बस। तो डिजिटल बस में हम क्या बात करने वाले हैं आज इरफान? डिजिटल बस में हमेशा हम बहुत सी बातें करते हैं जो आजकल सोशल मीडिया में ट्रेंड है, सबसे इन है और क्या वायरल हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो हम पहले डिस्कस करते हैं अरूज आफ्ताब ने जो ग्रैमी जीता है उसके बाद जो कमेंट्स आए हैं पाकिस्तानियों के, इतनी खुशी और मतलब फ़ख्र से सर ऊंचा करती है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि किस तरह के कमेंट्स आए हैं, अच्छे अच्छे। और आई वाज वेरी हैप्पी व्हेन आई सॉ हर कि अच्छा जीत गई हैं फाइनली। और मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे मेहंदी हसन की गज़ल है ओरिजिनली जिनका दोबारा से उन्होंने गाया है और जिस पर वो ग्रैमी जीती हैं। इरफान आपको कैसा लगा देख के? बिल्कुल अरूज आफ्ताब को बिल्कुल ये आई थिंक मुझे तो खुशी इस बात पे कि उनको अवार्ड मिला है ग्रैमीज का, लेकिन उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं जाके थोड़ा सा हमारे मेहदी साहब का जिक्र करना चाहिए था, क्योंकि एक वो बड़े हमारे मुल्क के लेजेंड सिंगर रह चुके हैं और कोई सुपर डुपर मेगा हिट हमारे एल्बम दिए हैं, सॉन्ग्स दिए हैं और आई थिंक पाकिस्तान का नाम रोशन उन्होंने बकायदा दुनिया भर में किया हुआ है। तो आई थिंक मुझे लगता है मरियम के अरूज आफ्ताब को थोड़ा उनके बारे में जिक्र करना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, और जैसे कि हम सब जानते हैं कि ओल्ड इज़ गोल्ड, तो मेहदी हसन तो मेहदी हसन है और उनकी गज़लें इंतहाई खूबसूरत हैं। उसके अलावा ये तो हमने ग्रैमी की डिस्कशन की है, उसके अलावा जो है उर्वा हुसैन ने जो है टिकटॉक ज्वाइन कर ली है। सेलिब्रिटीज़ कह रहे हैं वो कैसे पीछे रह सकते हैं, तो वो भी अब टिकटॉक पे आना शुरू हो गए। उसके अलावा और किसने की इरफान ज्वाइन? ना कि उर्वा कहने बल्कि आयशा उमर आल्सो ज्वाइन टिकटॉक। तो मजे की बात है कि टिकटॉक जो है अब फेमस ऐप हो चुका है। सेलिब्रिटीज से पहले कभी किसी सेलिब्रिटी ने कहा इरफान के यार हम नहीं आएंगे टिकटॉक पे, तो माशाल्लाह से अब हर सेलिब्रिटी टिकटॉक पर है। क्या आप भी हैं टिकटॉक पे? नहीं है तो आ जाए आप ही, सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट सोशल मीडिया लाइफ। और हमें भी बताएं कि हमें भी द कैचअप शो लाना चाहिए टिकटॉक पे, हम भी उस पे जाके गाने लगा के पीछे तो एक्टिंग करना शुरू करते हैं। एग्जैक्टली। अब हम चलते हैं अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ जो कि इरफान को तो बहुत ही पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। उसका नाम है वी लव फैशन। Yes, तो इरफान आज हम व्हील ऑफ फैशन में क्या डिस्कस करने वाले हैं? फैशन की बात करते हैं। माशाल्लाह यू लुकिंग स्टनिंग, बाय द वे हुम यू वेयरिंग? पहले तो थैंक यू वेरी मच, और मैंने आज मलीहा का आउटफिट पहना हुआ है। वाओ जबरदस्त, बहुत ही अच्छी डिजाइनर है। दिस कलर इज गोइंग टू गिव दैट समर फीलिंग, एक अब फील आ रही है उसकी की जबरदस्त कलर है और समर में भी इन है ये माशाल्लाह से। तो आई थिंक आपको रेटिंग दी जानी चाहिए आउट ऑफ फाइव। फाइव आउट ऑफ फाइव मुझे रेटिंग दी जानी चाहिए। इरफान आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, ग्रीन ऑलिव ग्रीन जो आपने पहना हुआ है फैशन, आपने बड़ा आज कैजुअल से मजे के तैयार हुए हैं। लगता है मेरे अंदर ऑक्सीजन भर गई, जब कोई तारीफ करता है ना आपकी तो आपके अंदर ऑक्सीजन आ जाती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल इसी तरह हम करेंगे। आज हमने सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट का इंटरव्यू किया है जिनका नाम है अरशद खान। बेसिकली आपने देखा होगा इनको रिसेंटली जीता था पाकिस्तान का सबसे फेमस अवार्ड हम स्टाइल अवार्ड, ये विनर है रह चुके हैं बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का। और मज़े की बात ये है कि वो अपने जादू करते हैं और उनके हाथों में ऐसा जादू कि हर सेलिब्रिटी उन्हीं का नाम लेती है और क्या ट्रेंड निकालते हैं, क्या हेयर स्टाइल देते हैं, और माशाल्लाह उनके हाथ में एक ऐसा जादू है जो हर सेलिब्रिटी कहते हैं हमें चाहिए अरशद अरशद और अरशद। तो लेट्स उनसे बात करते हैं अरशद खान से। हमारे पास मौजूद है इस वक्त सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट अरशद खान। माशाल्लाह से इंडस्ट्री के तमाम सेलिब्रिटीज़ के साथ काम कर चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके साथ काम करने में मुझे बार बार मज़ा आता है, जैसे हरीम फारूक है, जैसे फरहान सईद है, जैसे माहिरा खान है जिसके अंदर सबूर अली है, हिना दिलपदीर आपा जो है वो है उनमें, बुशरा अंसारी है, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं उसके अंदर जिनके साथ मुझे काम करके मज़ा आया। आपको हर नए आने वाले ट्रेंड के साथ थोड़ा बहुत आपको उसके साथ अटैच होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप भी ट्रेंडी रहें, आप भी उनके साथ साथ चलें। बट ये ज़रूर मैं आपको बताता चलूं कि बीइंग मेकअप आर्टिस्ट आपको कभी वो चीज़ नहीं ट्राई करनी चाहिए जो आप पे सूट ना करती हो, और कभी लोगों की बात इतना भी सीरियस ना लें कि आप उनके लिए आप अपनी पर्सनैलिटी को आप ख़राब कर दें। बीइंग योरसेल्फ। स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल शो रहा होगा, आप मुझे डीएम कर सकते हैं किसी भी किस्म के सवाल के लिए, फैशन टिप्स के लिए, ब्राइडल बुकिंग के लिए आप मेरा नंबर मेरे इंस्टाग्राम से हासिल कर सकते हैं। ओके, लेट्स टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट आफ्टर फ्यू मिनट्स। वे
वेलकम बैक टू द कैचअप शो. अब देखते हैं कि इरफान आज क्या मैजिक करने वाले हैं और फिर क्या होने वाला है. पर उससे पहले मैं कहती चलूँ कि आई होप कि आप लोगों को इंटरव्यू भी बहुत अच्छा लगा होगा और मेकअप के बारे में आपको काफ़ी अपडेट मिल गई होगी कि आप इस समर में क्या और किस तरह का मेकअप कर सकते हैं. सो इरफान अपना मैजिक दिखा दें. बिल्कुल, आई थिंक टेबल खाली लग, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा. मैं मैजिक करना चाहता हूँ ऑडियंस के लिए और आप देखिए इस टेबल हमारे पास क्या मौजूद है इस इफ्तार में. इरफान, तो आज इतना अच्छा खाना कहाँ से आया हमारे सेट पे? आज जो हमारे पास खाना आया जबरदस्त, वो एक कॉम्बो डील है जो लकीज वालों ने भेजी है, जिसमें जबरदस्त मिली बर्गर है, फ्राइज है, स्प्रिंग रोल है, पिज्जा है, पास्ता है और बहुत कुछ है. ये आई थिंक बेस्ट है फॉर योर इफ्तार और आई थिंक ये जबरदस्त डील निकाली है कॉम्बो बना के और एक लकीज वालों ने भेजी है, विच आई लव इट. आई थिंक ये प्रॉपर कोई 5-6 लोग आराम से खा सकते हैं. अगर आप किसी को इफ्तार बुलाना चाहते हैं उनके आगे रख दें, बोले कि मेरे फ्रेंड ने मुझे भेजा है, मैंने घर पर बनाया है, ये क्या क्या आप बता सकते हैं. लेकिन खैर, लकीज ने जबरदस्त इनका खाने होते हैं और इनकी हमेशा से कोई ना कोई स्पेशलिटीज होती है. इस दफ़ा इन्होंने प्रॉपर कॉम्बो बनाया है और कॉम्बो बना के काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मर्ज करके और दे दी आप लोगों को, ताकि आप पेट भर के इफ्तार कर सकें. क्या बात है इरफान, मतलब अगर जंक खाने का दिल ही है तो फिर लकी से ही ऑर्डर करना चाहिए, पेट भर के तो खा सकेंगे. ऐसा नहीं होगा कि इतने से पैसे इतने दिए हैं और इतना छोटा सा बर्गर आया पेट भी नहीं भरा. एटलीस्ट पेट तो भरेगा इफ्तारी में. तो बड़े मज़े का खाना लग रहा है, मैं तो अब खाने वाली हूँ. बहुत ही मज़े का खाना था इरफान आज तो. थैंक यू क्लकीज के आपने हमारे सेट पे इतना मज़ेदार खाना भेजा. इरफान आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल मरियम, थैंक यू सो मच क्लकीज फॉर सेंडिंग सच अ वंडरफुल फूड, वी लव्ड इट. और इसी तरह आप हमें अपने फीडबैक्स व्यूअर्स अपने देते रहें, कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट्स करें आपको कैसे सेगमेंट लग रहा है. हमारे सेगमेंट्स भी माशाल्लाह हिट जा रहे हैं. अगर आपको सेगमेंट पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा, तब भी आप कमेंट्स पास करें ताकि हमें अपनी आप अपनी राय से हमें आगाह करें और हमारा शो जो है द कैचअप शो देखते रहें. इससे ख़त्म होने से पहले मरियम आप कुछ कहना चाहती हैं? बिल्कुल ऐसा ही है इरफान. अब मैं अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहती हूँ कि उनके पास फाइनली एक अपॉर्चुनिटी है. फाइनली मैंने इसलिए कहा क्योंकि एक बहुत ईजी अपॉर्चुनिटी है जो कि ईजीली वो अवेल कर सकते हैं. वो ये है कि जाके बस उन्हें कॉमेंट करना है इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर भी वो कर सकते हैं और अपने फेवरेट सेलिब्रिटी से उन्हें बात करने का मौका मिलेगा. तो बस कमेंट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जिसके भी होंगे उसे अपने फेवरेट सेलिब्रिटी से बात करने का मौका मिलेगा. दैट इज ऑल. और इसके साथ हम आपको कहते हैं अल्लाह हाफिज़. आपने सारी नेक तमन्नाएं, नेक सारी दुआएं हमारे शो के लिए और हमारे शो की तरफ से भी आपको और बहुत सारी एक्सक्लूसिव खबरें देने वाले हैं. नेक्स्ट वीक में क्या होने वाला है, आप सबको हमारी तरफ से रमज़ान मुबारक. टिल देन अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह.